नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, पहली कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा पाठ है गहना, गहने। गहना यानी ज्वेलरी या बिजू। गहना, गहने। बच्चों, आप कैसे हैं? बहन जी आशा करती हैं कि आप सभी ठीक हैं और पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं। आज के पाठ का उद्देश्य, आज की कक्षा में हम ग अक्षर से परिचित होंगे, साथ ही हम कुछ गहनों और उनके नामों को जान पाएंगे। तो शुरू करते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, सोचिए, जवाब देने की कोशिश कीजिए। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सोचा। यह एक बिजू है। बिजू, इसे हम फ्रेंच में बोलते हैं बिजू, लेकिन आपको पता है कि इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? सोचिए। नहीं पता? कोई बात नहीं है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। बिजू को हम गहना कहते हैं। क्या कहते हैं? गहना, गहना। चलिए अक्षरी करते हैं। ग ह ना, ग ह ना, गहना। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इस चित्र को देखिए। इसमें आपको कितना दिखाई दे रहा है, गिनती कीजिए। कितने गहने हैं, एक या दो? हाँ, यहाँ पर एक है, एक। जब एक ही हो तो गहना कहते हैं। क्या कहते हैं? एक गहना। बोलिए, एक गहना। छात्रों, अब यहाँ देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या यहाँ पर एक ही गहना है? देखिए तो। नहीं, यहाँ पर बहुत हैं, बहुत। जब बहुत हो तो हम कहेंगे गहने। बोलिए मेरे साथ, बहुत गहने। फिर से बोलिए, बहुत गहने। बच्चों, अब यहाँ ध्यान से देखिए। अब मुझे बताइए कि गहना शब्द किस अक्षर से शुरू होता है। ध्यान से सुनिए, गहना। इसमें पहला अक्षर कौन सा है? हाँ, गहना शब्द में ग अक्षर है। बोलिए ग। फिर से बोलिए ग। अब जल्दी से कॉपी निकालिए। चलिए चलिए, जल्दी निकालिए। हम कॉपी में ग अक्षर लिखेंगे। अब बहन जी आपको एक वीडियो दिखाएगी। इसमें हम ग अक्षर देखेंगे। इस वीडियो को देखकर ग अक्षर लिखने का अभ्यास कीजिए।
तो ध्यान से सुनिए। ग ग बच्चों अब पुस्तक खोलिए। पृष्ठ 63 यानी पाश स्वसंसयक पर ध्यान दीजिए। मैं निर्देश पढ़ूंगी। ध्यान से देखो और लिखो। यहाँ पर आपको ग अक्षर लिखना है। ध्यान से देखिए किस प्रकार ग अक्षर लिखा जाता है। चलिए शुरू कीजिए। आप लिख पाए बच्चों? बहुत ठीक। बहन जी को पूरा विश्वास था कि आप ठीक से लिख पाएंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ग अक्षर से बने शब्दों को एक एक करके देखेंगे। ग से बने शब्द। चलिए पहले चित्र को देखते हैं। आपको क्या दिखाई दे रहा है? सोचिए। हाँ, यह एक वाज है, वाजा फ्लोर। तो इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, इसे हम गमला कहते हैं। गमला। फिर से बोलिए, गमला। क्या इस शब्द में ग अक्षर है? ग? हाँ, गमला ग से शुरू होता है। बोलिए, ग से गमला। ग से गमला। अब दूसरे चित्र को देखिए। यह क्या है? हमने जब शरीर के अंग किया था तब इसे देखा था, याद कीजिए। आप मुझे बता सकते हैं कि यह क्या है? सोचिए तो। हाँ, यह गला है, गला। Le cou। फिर से बोलिए, गला। क्या इस शब्द में ग अक्षर है? जी हाँ, गला शब्द ग से शुरू होता है। तो बोलिए मेरे साथ, ग से गला, ग से गला। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए। यह क्या है? हम इसमें दूध, पानी या जूस पीते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? हाँ, यह एक तास है, तास। लेकिन यह तो फ्रेंच शब्द है, तो इसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे? मग। यह एक मग है। क्या इस शब्द में ग अक्षर है? बहुत अच्छा। यह मग ग अक्षर से समाप्त होता है। लिटियमिने प ग। तो बोलिए मेरे साथ, ग से मग, ग से मग। अभी आप इस चित्र को देखिए।
हमने पिछली कक्षा में इस पर काम किया था ना? सोचिए यह क्या है? हाँ, यह एक झगला है। झगला, झगला क्या है? झगला एक कपड़ा है ना? बिल्कुल ठीक। क्या झगला शब्द में ग अक्षर है? हाँ, इसमें ग अक्षर है। यहाँ देखिए, कुछ गहनों के नाम। अभी हम आते हैं गहनों के नामों पर। पहले गहने को देखते हैं। यह क्या है? क्या आपने कभी इसे देखा है? सोचिए, याद करने की कोशिश कीजिए। इसे फ्रेंच भाषा में लाशेन कहते हैं, लाशेन, और हिंदी में हार, हार। क्या कहते हैं? हार। चलिए अक्षरी करते हैं। ह आर हार, ह आर हार। बहुत अच्छा। अब यहां ध्यान दीजिए, हार यानी लाशन, इसके लिए एक और शब्द है, एक और शब्द यानी दूसरा शब्द या सिनोनिम। या तो इसे हम हार कहते हैं या माला कहते हैं। माला क्या कहते हैं? माला। चलिए अक्षरी करते हैं। म आ ल आ माला। बच्चों, अब यहां देखिए, यह क्या है? हाँ, जानों या बुकल दो है, लेकिन इसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे? सोचिए। बहुत अच्छा, यह है बाली, बाली। चलिए इस शब्द की अक्षरी करते हैं। ब आ ल ई बाली। फिर से बोलिए, ब आ ल ई बाली। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है? आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, यह पायल है। पायल, बोलिए, यह पायल है। चलिए अक्षरी करते हैं। प आ यल पायल। फिर से बोलिए, प आ यल पायल। अब बहन जी आपको एक छोटी सी कविता सुनाएंगी, इसे आप ध्यान से सुनिए। कविता का शीर्षक है पायल। पायल बजे छम छम, चूड़ी खन के खन खन, हार चमके चम चम, पहन लता चले बंठन। अब हम इस अंतिम चित्र को देखते हैं। यह क्या है? सोचने की कोशिश कीजिए। यह ब्रासले है, लेकिन इसे हम हिंदी में चूड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? चूड़ी। चलिए मेरे साथ अक्षरी कीजिए। च ऊ र ई चूड़ी। फिर से बोलिए, च ऊ र ई
चूड़ी। मेरे प्यारे बच्चों, अब बहन जी को बताइए कि इस कक्षा में आपने क्या सीखा। चलिए याद करने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा, इस कक्षा में आपने गहना गहने के बारे में बहुत सारी चीजें सीखी। तो अब आप अपनी कॉपी निकालिए, बहन जी आपको एक कक्षा कार्य दे रही है। आपकी कॉपी आपके पास है ना? अगर नहीं है तो जल्दी से कॉपी लीजिए। चलिए अब आप कॉपी में एक हार का चित्र बनाइए। आपकी सहायता के लिए मैं एक वीडियो दिखाऊंगी, इसको आप ध्यान से देखिए और चित्र बनाना शुरू कीजिए। आज की सीख। दुनिया का सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम है। तो बच्चों, इसी के साथ आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। आप सभी लोगों के ध्यान के लिए धन्यवाद। फिर से मिलेंगे। नमस्ते बच्चों।